हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। आज हम टॉपिक लिया है साइंस का और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस की सीरीज हम ले रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर बेस्ड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इस सीरीज से आपका कॉम्पोनेंट फूड यानी कि भोजन के अवयव का जो टॉपिक है पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? मेजर न्यूट्रिशंस इन अवर फूड। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर से लिखित सभी। तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन और वसा भी, विटामिन और मिनरल्स भी, तो यानी कि सभी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। जब हम सांद्र आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे भोजन सामग्री पर डालते हैं, सांद्र आयोडीन विलयन मतलब डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, इसको जब हम फूड आइटम कोई भी भोजन है उसके ऊपर हम डालते हैं, तो कौन सा रंग हमें स्टार्च का संकेत देता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस खाने में स्टार्च है, कौन सा कलर बनेगा? तो ऑप्शन है येलो, ब्लू, ब्लैक, वायलेट यानी कि बैंगनी, ग्रीन यानी कि हरा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो कौन सा रंग होता है इसमें, नीला और काला, ब्लू ब्लैक अगर कलर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उस भोजन में क्या है, स्टार्च है। और किससे पता चलेगा, जब हम उसमें सांद्र आयोडीन विलयन यानी कि डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदे डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भोजन सामग्री पर 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंदे कास्टिक सोडा की अगर डालते हैं, तो प्रोटीन का कैसे पता चलेगा, प्रोटीन की मौजूदगी से हमें कौन सा रंग दिखाएगा? अगर हम 2 बूंदे कॉपर सल्फेट और 10 बूंदे कास्टिक सोडा डाल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कॉपर है, कौन सा रंग हमें इस चीज़ का संकेत देता है? तो ऑप्शन हमारे पास है येलो, ग्रीन, वायलेट और यहाँ पर एक ऑप्शन कोई और ब्लू ब्लैक आना चाहिए। सो उनमें से हमारा कोई एक ऑप्शन बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, बैंगनी। बैंगनी रंग हमें क्या बताता है कि इसके अंदर प्रोटीन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला या वाला भोजन है? ऊर्जा हमें कौन सा भोजन देता है, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड, कौन सा भोजन खाने से हमें एनर्जी मिलती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर बोथ ए एंड बी। कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ही, जैसे ये किसान वगैरह है या फिर जो बाहर काम करते हैं उनको, तभी पूरा दिन एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज बॉडी बिल्डिंग फूड। निम्न में से कौन सा शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने वाला भोजन है? देखो, हष्ट-पुष्ट से आप ध्यान दे सकते हैं कि आप जिम में जाते हैं तो जिम वाले जो है रिकमेंड करते हैं आपको प्रोटीन लेने के लिए, जैसे कि आपको सोयाबीन की दाल लेने के लिए कहेंगे या फिर आपको कहेंगे कि अंडा लो, ठीक है, दूध लो, तो ये आपको प्रोटीन से रिलेटेड ज़्यादा कहते हैं, उसमें शरीर हष्ट-पुष्ट बनता है। तो यानी कि ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट रहेगा, प्रोटीन क्या है, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने वाला भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। निम्न में से कौन सा हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? बीमारियों से हमारे शरीर को कौन बचाता है? ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो हमें बीमारियों से कौन बचाता है, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, विटामिन। ठीक है, प्रोटीन हष्ट-पुष्ट रख रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को एनर्जी दे रहे हैं, और विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट है, विच विटामिन कीप अवर स्किन हेल्दी। हमारे स्किन को हेल्दी कौन सा विटामिन रखता है, त्वचा को तंदुरुस्त कौन सा विटामिन रखता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। तो हमारी त्वचा को तंदुरुस्त रखता है विटामिन ए। विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में लेने से, मतलब प्रॉपर मात्रा में लेने से, ज़्यादा तो किसी शरीर में किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए दिखता, तो प्रॉपर हमें अगर विटामिन ए मिल रहा है तो हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है,
कौन सा विटामिन हमारी आंखों को तंदुरुस्त रखता है, हमारी आंखों के लिए विटामिन, सबको पता है वैसे ये, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए जो है आंखों को तंदुरुस्त रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन, विच विटामिन हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, शरीर में ऐसा विटामिन जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, विटामिन सी, विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। आगे हम क्वेश्चंस वो भी करेंगे कि हमें कौन सा भोजन खाने से विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो विच विटामिन हेल्प अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों व दांतों के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करने में मदद करता है, कैल्शियम का इस्तेमाल, क्योंकि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है, तो कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन आर, कैरेट, पपाया, मिल्क एंड मैंगो, गाजर, पपीता, दूध और आम में मुख्य तौर पर कौन सा विटामिन होता है, यानी कि ये चीज़ें खाने से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी, तो हमें जो कि है इनसे खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन ए, और विटामिन ए क्या करता है, हमारे आँखों के लिए भी अच्छा है और हमारी त्वचा को भी तंदुरुस्त रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूं, चावल, बाजरा, तथा आम तथा मक्का से हमें क्या मिलता है, सो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि हमें जो ये वाली चीज़ें हैं, आलू है, गन्ना है, पपीता, तरबूज, गेहूं, चावल, इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन फूड कंटेनिंग फूड आइटम, हमें वसा वाला भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, वसा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, जंतुओं से, पादप से, खनिज से या फिर जंतुओं और पादप से, तो वसा हमें कहाँ कहाँ से मिल प्राप्त होती है, पादप और जंतुओं से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता, जंतुओं से क्या प्राप्त नहीं होता, देखो प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है चार। अब जंतुओं से देखो प्रोटीन, दूध में प्रोटीन होता है, हमें जंतुओं से मिलता है, विटामिन, विटामिन भी और वसा भी होता है, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो कि है हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, 42%, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है और वो होता है 42%, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं, यानी कि किस चीज़ को खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन में क्या क्या है, मछली, पनीर, दूध, मटर या व तुअर दाल, गेहूं, चावल व यकृत, संतरा, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू व आंवला, मछली, अंडा, यकृत, दूध व मक्खन, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो प्रोटीन हमें सबसे जो किस किस से मिलता है, देखो खट्टी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है, और चीकनी चीज़ों से हमें वसा मिलती है, तो प्रोटीन हमारे पास हमें किस से मिलेगा, मछली, पनीर, दूध, मटर और तुअर दाल, इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इसके अलावा भी है काफ़ी, ये तो कुछ एक ही बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विटामिन बी के स्रोत है, यानी कि किससे हमें विटामिन बी मिलता है, तो ऑप्शन हमारे पास सामने है मछली, पनीर, दूध, मटर व तुअर दाल, ओके। नेक्स्ट है गेहूं, चावल,
व यकृत, संतरा, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू व आंवला, मछली, अंडा, यकृत, दूध व मक्खन। तो विटामिन बी के हमें किससे मिलता है, या प्रोटीन, ये गलत है, या आएगा विटामिन बी। विटामिन बी हमें किससे मिलता है, गेहूं, चावल व यकृत से, यानी कि ये हमारे क्या है, विटामिन बी के स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी निम्न में से किस किस स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी हमें किस से मिलता है, तो हमारे पास जो खट्टी चीज़ें होती है उससे क्या मिलता है, विटामिन सी। इनमें से खट्टी चीज़ें देखो, संतरा, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, इसके अंदर क्या है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो देखो, ये ऑप्शन ए जो है इसमें हमें क्या मिलता था, इससे हमें प्रोटीन मिलता है ना, ये सब चीज़ें किसके लिए हैं, प्रोटीन की, और ये किसके लिए है, विटामिन बी, और ये विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विटामिन डी के स्रोत। देखो, ऑप्शन वही सारे सेम है, मछली, अंडा, यकृत, दूध और मक्खन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन डी के स्रोत हमारे पास क्या मिले, मछली, अंडा, यकृत, दूध व मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स कौन सा है, किससे हमें सबसे ज़्यादा विटामिन मिलेगा, ज़्यादा विटामिन सी, विटामिन सी हमें किस में मिलेगा सबसे ज़्यादा, आंवला, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते, शरीर को पोषक कौन प्रदान नहीं करते। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर को एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारे शरीर को हष्टपुष्ट रखता है, वसा भी एनर्जी देता है ना, लेकिन डाइट्री रेशियो जो कि हमारे शरीर में, बल्कि खाने को और निकालने में मदद करते हैं डाइट्री रेशियो, ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हमारे शरीर में अपचित भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डाइट्री रेशियो हमारे शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयोडीन के स्रोत हैं, आयोडीन हमें किस से मिलता है, अदरक व मछली, दूध, केला व मिर्च आएगा, या दूध, केला व मिर्च, एंड पालक, सेब व मांस, अंडा व दूध। तो जो विटामिन आयोडीन है, आयोडीन हमें किस से मिलते हैं, अदरक और मछली से आयोडीन मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से फॉस्फोरस के स्रोत हैं, फॉस्फोरस के स्रोत क्या क्या है, अदरक व मछली, दूध, केला व मिर्च, एंड पालक, सेब व मांस, अंडा व दूध। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो फॉस्फोरस के जो स्रोत है हमारे पास वो क्या होएगा, दूध, केला व मिर्च। ठीक है, दूध, केला व मिर्च से हमें फॉस्फोरस मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोहे के स्रोत है, लोहा, शरीर में लोहे की भी जरूरत होती है, तो लोहे के स्रोत कौन से हैं, तो पालक, सेब और मांस, ये क्या होते हैं, लोहे के स्रोत होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कैल्शियम के स्रोत है, कैल्शियम हमें किस से मिलता है, तो कैल्शियम के स्रोत के लिए ऑप्शन आपके पास वही सेम है। ठीक है, तो कैल्शियम के स्रोत हमें किस से मिलते हैं, अंडा व दूध, अंडा व दूध क्या है, कैल्शियम के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन खाना पकाने के दौरान आसानी से समाप्त हो जाते हैं, खाना पका रहे हैं, कौन सा विटामिन जल्दी समाप्त होता है, आसानी से समाप्त होता है, विटामिन सी जो की है खाना पकाने के दौरान आसानी से समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर पर्याप्त प्रोटीन उसे नहीं मिल पा रहा तो कौन सी बीमारी उसे हो सकती है। ऑप्शन हमारे पास है, असमान वृद्धि व चेहरे पर सूजन, बालों का रंग झड़ना, ठीक है, बालों का रंग झड़ना, चर्म रोग व डायरिया, एंड
ऊपर लिखित सभी, ये सभी के सभी बीमारी हमको हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब है कौन सी विटामिन से कौन सी कमी हो सकती है वो हम देखेंगे। विटामिन ए की कमी से किस चीज की कमी होगी, कौन सी बीमारी होगी हमें, दृष्टि में कमी वे रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो दृष्टि में कमी, आंखें कमजोर होना, रतौंधी, रतौंधी मतलब जब रात को कम दिखता है, थोड़ा अंधेरे के टाइम जिसे कम दिखने लग जाता है उसे रतौंधी कहते हैं। दृष्टि में कमी, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण ये होते हैं। विटामिन ए की प्रॉपर मात्रा लीजिए, इन बीमारियों को रिकवर कर सकती है। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी के लिए होएगा, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, बी फोर, बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है, विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी, स्किन से रिलेटेड विटामिन सी की कमी से होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, हड्डियाँ कमजोर होना, बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है रिकेट्स की बीमारी, तो हड्डियाँ कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से हमें, इसमें ऑप्शन एक नहीं दे रखा, आयोडीन की कमी से हमें होता है घेंघा रोग। आयोडीन की अगर कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। ओके, कमजोर हड्डियां व दांत सड़न रोग किसकी कमी से होते हैं, कमजोर हड्डियां, हड्डियां कमजोर होना और दांत सड़ने किस विटामिन की कमी से होते हैं, ऑप्शन है फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम या प्रोटीन। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है और दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या है, शहद का मुख्य घटक क्या है, ग्लूकोज, सुरोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है, शहद का मुख्य घटक है। ओके, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसी वो कौन सी शुगर या शर्करा है जो उसी टाइम एनर्जी हमें देती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होते हैं, उसी टाइम ग्लूकोज लेने से उसी टाइम हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो तत्काल एनर्जी देने वाली, उसी टाइम ऊर्जा देने वाले क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊतक बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, तो शरीर को सही रखने के लिए ऊतकों का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो प्रोटीन क्या करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, तो हमें प्रोटीन जो है प्रॉपर लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी भी ठीक रहे। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त किससे नहीं होती, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, ऊर्जा प्राप्त किससे नहीं होती, देखो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होगी और वसा है, क्यों, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, पता है इनसे तो ऊर्जा प्राप्त होती ही होती है। ठीक है, प्रोटीन है, हष्टपुष्ट रखता है, इससे भी हमें ऊर्जा ही प्राप्त हो रही है, लेकिन विटामिन क्या है, हमको बीमारियों से बचाते हैं लेकिन ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो ये क्या है, विटामिन, इसका करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है, प्रोटीन की कमी आ गई तो कौन सी बीमारी होगी, क्वाशियोर्कर जो रोग है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन किस में नहीं होता? ऑप्शन है मांस, दूध, चावल या दाल। तो प्रोटीन इनमें से किस में नहीं होता? चावल में। चावल में जो कि है प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी सब में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? केसिमीर फंक ने, विलियम हार्वे ने, मेंडल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? केसिमीर फंक ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो रही है तो कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है दृष्टि में कमी या रतौंधी, ये तो विटामिन ए का था ना, रक्त का थक्का न बनना, नपुंसकता या रिकेट्स। तो हमें विटामिन ई की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? सो ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, नपुंसक। नपुंसक हो सकते हैं विटामिन ई की कमी से, नपुंसकता विटामिन ई की कमी से हो जाता है। ठीक है, सो विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दृष्टि में कमी वे रतौंधी, रक्त का थक्का न बनना, नपुंसकता या फिर रिकेट्स। तो अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, सो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये अभी भी बताया था नपुंसकता, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा के अंदर देखो दो क्वेश्चन होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा यानी कि फैट में सोल्यूबल कौन सा विटामिन होता है वसा में घुलनशील? तो ए डी ई के क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद अगर बात करते हैं जल में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर, अगर वाटर में हम इसे पूछते हैं जल में घुलनशील तो उसका क्या होएगा? बी सी। विटामिन बी सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट, तो विटामिन बी वन, विटामिन बी सिक्स, बी ट्वेल्व या बी नाइन। तो विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, सो 50 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर ख़त्म होती है। विटामिन्स से रिलेटेड हमारे शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सा भोजन खाने से कौन से विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, हमने पूरा टॉपिक इन 50 क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किया है और इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आए हुए हैं। तो ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर वन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।